अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? आयशा जी। आयशा जी? नहीं जी, आयशा, इज्जत आपकी कर रही हूँ। हाय, थैंक यू सो मच, हम आपकी इज्जत करते हैं आयशा जी। आयशा जी, ये बताएं कि लोड शेडिंग में कुछ बेहतरी हुई? जी, बहुत ज़्यादा। हाउ डू यू फील, आई मीन क्या डिफरेंस देख रही हैं? हमारी तो लास्ट 10 डेज से 2 वीक से गई नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, फर्स्ट क्लास है, लेकिन हमें खर्चे को फ़र्क नहीं पड़ता, जनरेटर लगवा लिया था, इतने बुरे हालात थे तो इसलिए कोई इतना खास। सपोज के जनरेटर नहीं है, लोड शेडिंग भी हो रही है, आप अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने हवाले से बिजली की कैसे बचत करते हैं? हाँ डेफिनेटली, हम तो वो एक्स्ट्रा लाइट्स जो हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो पहले हम नहीं केयर करते थे, अब कोशिश करते हैं हर वक्त बंद रखें, जहाँ बैठे हैं वहीं पर चल रही हैं, वहाँ भी जो स्पॉट लाइट्स बंद कर देते हैं, एनर्जी सेवर्स हैं, इस तरह की चीज़ें। और आयशा जी, क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में जो बिजली का बिल पे नहीं करते या बिजली चोरी करते हैं? जैसे कि इंफॉर्मेशन के मुताबिक बलूचिस्तान में जो लोग हैं उनका रेशो जो बिल पे करते हैं है ही नहीं, कोई लोग पे ही नहीं करते। सरहद में भी कहा जाता है कि 50% लोग हैं इस तरह, और हमारे भी पंजाब में या सिंध में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? इधर ये सिस्टम इतना ख़राब है कि मतलब अब मेरे पेरेंट्स के घर में वो इतनी रेगुलरली बिल पे करते हैं, यानी बिल्कुल ईमानदारी से, उनको 81,000 चार्जेस आ गए हैं। सबको बदलने की ज़रूरत है ये हम कहते हैं, लेकिन इस पे अमल करते हैं? नहीं, कम ही करते हैं। मैं और आप, हम करते हैं वैसे, आपस की बात है, सोच इतना ज़्यादा तो हम भी नहीं करते। मैं वो नहीं करते। हाँ, करना चाहिए, बिल्कुल सही है। सारे काम, सारी चीज़ें, हर बात हम हुकूमत पे छोड़ देते हैं। वो जिस तरह एक लतीफ़ा सा है ना कि जी, जब अमेरिका पे कुछ हुआ तो उनकी फ़ौज आई, जब अल्लाह मियाँ सुकून से बैठे रहे, जब चाइना पे हुआ अल्लाह मियाँ सुकून, जब पाकिस्तान पे तो अल्लाह मियाँ ने कहा उन्होंने खुद जाना पड़ेगा क्योंकि वो सारा कुछ मेरे से छोड़ देने। हाँ, बिल्कुल सही बात। इसी तरह अगर हम हुक्मरानों पर और इस तरह हुकूमत पर सब कुछ छोड़ देंगे और ख़ुद कुछ भी नहीं करेंगे तो कैसे सिस्टम से? नहीं, हमें करना चाहिए जी, बिल्कुल। मैं बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक हूँ एंड इतने हालात ख़राब होने के बावजूद कभी ख्याल नहीं आया कि आप मुल्क से बाहर जाएं। बस यही है कि यहीं रह के इसी को ठीक करना है। अपने बच्चों में मैं पूरी कोशिश करती हूँ, उनका अच्छा ब्रॉटअप करके उनको इन चीज़ों की कदर होनी चाहिए, ताकि हमने तो जो किया सो किया, कम से कम उनके लिए आइंदा जो है ना बेहतरी हो गई। आयशा जी, लवली टॉकिंग टू यू, गॉड ब्लेस यू एंड पाकिस्तान से पाकिस्तान जिंदाबाद। या पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्लाह का जी। ठीक ठीक ठाक। तो अजीजी का चैनल आ गया है दुनिया न्यूज, आई लव दुनिया न्यूज बिकॉज ऑफ अजीजी एंड माई किड्स आर ग्रेट फैन ऑफ अजीजी एंड माई हस्बैंड टू। वाह, तेरे सदके जाऊं है। अजीजी इज द ओनली पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हु मेक माई हस्बैंड लाफ, अदरवाइज ही इज वेरी सरियल काइंड ऑफ पर्सन। मैं तेरा क्या करूँ। तो फिर तो अजीज साहब के लिए जिंदाबाद का नारा होना। बिल्कुल जी, अजीजी जिंदाबाद, क्या बात है अजीजी, क्या बात है। चलें जी, ये तो आपका पैगाम पहुंच गया वहां तक। अब आप ये बताएं कि लोड शेडिंग में कुछ बेहतरी आई? लोड शेडिंग में हाँ, वैसे बज़ाहिर तो बेहतरी है अब तो, मतलब डेफिनेटली है। किस तरह डिफरेंस देख रहे हैं आप? पहले जो इतना ज्यादा लोड था, इतना क्राइसिस हुआ था, लोड शेडिंग बहुत हो रही थी, और अब क्या डिफरेंस देख रहे हैं? नहीं, अब तो काफ़ी कम है, हमारे एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं जा रही। ठीक है, वैसे बिला वजह ब्लेम करने का क्या फ़ायदा, जब जाएगी तो फिर डेफिनेटली जो है हम भी क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट को स्पेशली। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? ठीक ठाक जी। आपके क्या हाल हैं? आई एम आल्सो वेल। ओह, दैट साउंड्स गुड। ये बताइए कि आप लोग क्या देख रहे हैं कि लोड शेडिंग में कुछ कमी आई है हमारे यहाँ? नहीं जी, लोड शेडिंग में तो कमी नहीं आई है, लेकिन उसके अलावा सिर्फ एक लोड शेडिंग ही मसला नहीं है, पाकिस्तान को और भी बड़े मसाइल हैं। मैं एग्री करता हूँ मसाइल से, लेकिन इस वक्त हम लोड शेडिंग की बात करें। आप पर्सनली तौर पे हाउ डू यू सेव, आप कैसे बिजली को बचाते हैं? जी ऑब्वियसली, अब जैसे चीनी का बहरान है तो चीनी कम यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ हम कंट्रोल कर रहे हैं कि कम चीज़ें अपना अप्लाइंसिस को कम यूज़ करें या कंट्रोल्ड मैनर में यूज़ करें, स्पेशली इन विंटर जो अब ये गीजर्स का आ गया है तो गीजर्स को एक कंट्रोल वे में आप ऑपरेट करें। अखबार में ऐड आते हैं, मेरे ख्याल है कंज्यूमर को भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाउ टू रिड्यूस इस कॉस्ट और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे ओवरकम करना है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे आई डोंट सी एनी यू नो देयर इनिशिएटिव टू रिड्यूस इट एंड कंट्रोल इट। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप ये बताओ कि जब लोड शेडिंग ज़्यादा होती थी तो आप क्या करते थे? टीवी कहीं ऑन ही तो नहीं छोड़ देते थे और कमरे से गए तो लाइटें चल रही हैं? कुछ सच बताना है। मैं लाइट्स ऑफ कर देती थी। सच बताना है? यस, पक्की बात है। हाँ जी, लाइट्स ऑफ कर देती थी जब लाइट्स लोड शेडिंग खत्म हो जाती थी तो मैं लाइट ऑन कर देती थी। और मैं टेलीविजन मैं मोस्टली नहीं देखती क्योंकि हमेशा लोड शेडिंग की वजह से मैं बहुत तंग हूँ। तंग हो?
छोड़ दिया वो देखना। अच्छा जी, हमारे बच्चे भी जो हैं थोड़े थोड़े तंग हैं, तो इसलिए जनाब जल्दी से सारी लोड शेडिंग है जो फौरन सारी खत्म हो जानी चाहिए, है ना। आप वहाँ देखे सबको कह दो कि जी प्लीज लोड शेडिंग जल्दी से खत्म कर दो, प्लीज लोड शेडिंग फौरन खत्म कर दो।